हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए मानसून स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, मीठे पुए। आप प्याज आलू के भजिए या पकोड़े हमेशा बनाते हैं, साथ में कुछ मीठा खाने का भी मन करता है, तो उसके साथ आप यह मीठे सॉफ्ट और क्रिस्पी पुए बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठे पुए बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे हम छलनी से छान लेंगे। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें 1/2 कप हम शक्कर डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी मैंने थोड़ा सा गुनगुना लिया है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी इसमें नहीं लेना है। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। पानी मैंने इसमें 2 कप डाला है, मतलब जितना गेहूं का आटा हमने लिया है उतना ही इसमें पानी डलेगा। शक्कर और पानी आपने जिस कप से आटा लिया है उसी कप से लें तो आपके पुए एकदम परफेक्ट बनेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसकी जगह आप 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं, सौंफ का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। बैटर तैयार हो गया है, हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1 घंटा हो गया है और देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका पेस्ट ज़्यादा पतला रहा तो आपके पुए चपटे बनेंगे और अगर ज़्यादा गाढ़ा रहा तो आपके पुए ठोस बनेंगे। पुए बनाने के लिए दोनों आइट साइड की उंगलियों को ऊपर रखें और इस तरह से अंगूठे से पुश करें, इससे पुए आपके बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह से आपके पुए एकदम गोल बनेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें पुए डालेंगे। घी अच्छे से गर्म करना है आपको, अगर आपने घी ठंडा रखा तो आपके पुए चपटे बनेंगे। पुए आप घी या तेल दोनों में बना सकते हैं, मैं हमेशा घी में बनाती हूँ क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप तेल में बनाते हैं तो एक बार घी में बनाकर जरूर देखें। पुए आप तेज फ्लेम पर ही फ्राई करें, इससे आपके पुए चीटे नहीं होंगे और सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए पुए का कलर कितना अच्छा आया है, इसे हम अब निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी पुए बना लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पुए बना रही हूँ ये ऊपर आ रहे हैं, तो घी इतना ही गर्म होना चाहिए कि हम पुए जैसे ही डालें ये तुरंत ऊपर आ जाए।